चलो तो सबसे पहला ये क्वेश्चन है, कंसीडर ए ड्रॉप ऑफ रेन, ठीक है, एक यच हाइट पे रेन का ड्रॉप है और ये हम लोगों का ग्राउंड है, ठीक है ना। अब ये रेन ड्रॉप 1 किलोमीटर की हाइट पर है, समझना इसको, 1 किलोमीटर की हाइट पे एक रेन ड्रॉप है और रेन ड्रॉप जब भी गिरेगा तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा। पहले से थोड़ी वो चलता है, ऐसा नहीं है ना, जब ये ग्राउंड को हिट किया रेन ड्रॉप, तो देखो क्वेश्चन पढ़ो, ग्राउंड को हिट किया तो जब ये ग्राउंड को हिट करता है तो वो 50 मीटर पर सेकेंड से हिट करता है और ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है, ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ये 1 किलोमीटर है, जी की वैल्यू 10 लेना है। तो जब रेन ड्रॉप फॉल कर रहा है तो आप समझ रहे हो इसमें दो फोर्स लग रहे हैं, जब रेन ड्रॉप जैसे ये मार्कर है अगर ये एयर में फॉल करेगा तो इसमें दो फोर्स लगेगा, कौन कौन, ग्रेविटी नीचे लगेगी और विस्कस एयर का फोर्स ऊपर लगेगा, एयर ड्रैग, ठीक है। तो दो फोर्स लग रहा है तो उन दोनों का अलग अलग हमें वर्क निकालना है कि इसमें से रजिस्टिव फोर्स एयर का कितना वर्क होगा और ग्रेविटेशनल फोर्स का कितना वर्क होगा, क्लियर है। अब देखो एक तो तरीका इसको जो है वो कैलकुलेट करते हुए करो, ठीक है, पहला जो तरीका ये है, ठीक है, इसको तुम ऑप्शन भी चेक करके कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और जैसे हमको पता है, देखो पहले एक जुगाड़ मेथड बताता हूँ, जब ये इसको हिट किया तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज कितना आया बोलो, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज आया, इनिशियल 0 था, फाइनल ए हुआ, तो काइनेटिक एनर्जी फाइनली कितनी हो गई, 1/2 mv2, और मास कितना है, 1 ग्राम है, 1 × 10³, और वी की वैल्यू 50 है, तो ये 25, जब इसको काटोगे तो ये 1 ग्राम है ना, 10⁻³ kg, तो ये 2.5 / 2, दैट इज 1.25 जूल, दैट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो 1.25 जूल जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई हमारी। अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम से पता है, ठीक है, एक है कि इसको एक्चुअल में कैलकुलेट करो, बात वही है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से हमें पता है कि चेंज इन वर्क डन वॉट इवर जो भी ग्रेविटेशन और एयर वर्क किए होंगे तो उनका जो वर्क डन है वो 1.25 के इक्वल होगा ही, तभी तो वर्क एनर्जी थ्योरम सही होगा यार। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है कि वर्क डन बाय द ऑल द फोर्सेस मतलब जितने भी फोर्स हैं, ठीक है, सभी का वर्क डन का सम, ठीक है भाई, फ्रिक्शन, एयर, रियल, सूडो, नॉर्मल, जो भी लग रहा है, सभी का वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो। तो यहाँ पर तो दो ही फोर्स लग रहे हैं तो दोनों का वर्क डन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होना चाहिए, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1.25 आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से दोनों का जो सम है, वर्क डन का सम है, हाँ एक इंटरेस्टिंग बात है कि ग्रेविटी नीचे लग रही है और एयर ड्रैग ऊपर लग रहा है, तो एयर ड्रैग का निगेटिव वर्क डन होगा और ग्रेविटी का पॉजिटिव वर्क डन होगा, तो ये कभी सही नहीं हो सकता, इसके सही होने के कोई भी चांस नहीं है, ठीक है, इसके भी सही होने के कोई चांस नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल कि ये दोनों ऑप्शन सही हो जाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ रेजिस्टिव फोर्स का वर्क डन निगेटिव होगा जो कि ऊपर लग रहा है, जो पॉजिटिव दिया है, यहाँ ग्रेविटी का वर्क डन निगेटिव दिया था, ठीक है। चलो इन दोनों में जो सम देखोगे तो 1.25 और -8.5 को जोड़ोगे तो, ठीक है, तो ये 7 2.5 मतलब ये आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है, -7 आ जाएगा, तो ये कभी सही नहीं होगा, और इन दोनों को अगर जोड़ोगे, इन दोनों को जोड़ोगे तो इतना आ जाएगा 1.25, ठीक है, देखो -8 7.5 और 10 जूल तो 1.75, मतलब ये ऑप्शन सही है। नहीं तो अगर आगे और करना चाहते हो तो इसको ऐसे कर भी सकते हो, ठीक है, इसको थियरम लगा को कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस मतलब ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन मस्ट बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी हम पहले ही निकाल लिए हैं 1.25, ठीक है। अब ग्रेविटी का वर्क डन निकालो, जब यहाँ से बॉल गिराया जाएगा, यहाँ आएगा तो ग्रेविटी कितनी वर्क करेगी, तो ग्रेविटी का वर्क डन हो जाएगा mgh, ठीक है, mgh कितना, मास है 1 × 10³⁻³ kg हो गया, g की वैल्यू 10 ले लो, हाइट 1 है तो यह आ जाएगा, हाइट 1 किलोमीटर है तो ये 10⁻³ आ जाएगा, ठीक है, तो यह आ जाएगा 1 किलोमीटर है ना, तो 10⁻¹ मास कितना था, 1 ग्राम था, हाँ मास 1 ग्राम था, 10⁻³, जी की वैल्यू 10 और 1 मीटर, ठीक है, हाँ तो ये आ जाएगा 10 जूल, वर्क डन आ जाएगा 10 जूल, किसका, ग्रेविटी का, एम जी एच। अब ले जाके यहाँ पर रखोगे, इसमें रखोगे तो हमें मिलेगा
जो हम लोग को फाइनल सोल्यूशन मिलेगा, वर्क डन बाई रजिस्टिव फोर्स कितना आ जाएगा, वर्क डन बाई एयर इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस वर्क डन बाई द ग्रेविटी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1.25 और माइनस, यहाँ से माइनस आ जाएगा ग्रेविटी का वर्क डन 10 जूल इज इक्वल टू माइनस 8.75 जूल, दैट इज द वर्क डन बाई द माइनस 8.7 वर्क डन बाई एयर रजिस्टिव फोर्स और 10 जूल वर्क इज डन बाई द ग्रेविटी, दैट इज सी ऑप्शन सही है। ठीक है, आप ये इन सब स्टेप से बच भी सकते थे, आप यहाँ लॉजिक लगा देते, वर्क एनर्जी थ्योरम का कॉन्सेप्ट लगा देते और ऑप्शन को ही जोड़ लेते और इसके बराबर आ गया, तो आप ये सब करने की जरूरत नहीं थी आपको। ठीक है, हमें टाइम बचाना भैया, जो